सत श्री अकाल जी सारियानू, स्वागत है तुहाडा एवी फूड मैजिक चे। बिस्किट खाना किस बच्चे नू पसंद नहीं आता, लेकिन उहदे च किन्ने सारे आर्टिफिशियल चीज़ां रहिंदियां ने। इस वास्ते अज असी बना रहे हां मार्बल कुकीज़, जो बहुत ईजी ने बनाना और इहनू बनाने च ज़्यादा टाइम नहीं लगता और जिहड़ा भी समान है सानू घर ईजीली मिल जाएगा। चलो शुरू करते हैं बनाना मार्बल कुकीज़। ए वास्ते असी लिता है अद्धा कप घ्यो। ए रूम टैंपरेचर से सी, एनू पिघलाना भी नहीं है और फ्रिज का भी घ्यो नहीं चाहिए। जिमें भी डिब्बे से रखे अद्धा कप घ्यो ना पंगे और उन्होंने पालेंगे किसी वड्डे भांडे से। असी चीनी लिती है अद्धा कप। पहले असी चीनी नू पीस लेंगे, उसके बाद इनू अद्धा कप नापना है। नाप के अद्धा कप चीनी लेंगे और फिर पीसेंगे तो ज़्यादा हो जाएगी। पहले चीनी पीस लो और फिर उन्होंने अद्धा कप नाप लो। इनू पा देंगे क्योचे, दो चुटकी पाएंगे नमक और इनू चंगी तरीके नाल फेंटेंगे। तुसी देख सकते हो जैसे जैसे इनू फेंट रहे हैं असी कलर वाइट होंदा जा रहा है। जब असी घ्यो लिता सी वो मटमैले जे रंग दा सी, उन्हें फ्लपी भी हो गया और वाइट भी। पूरा फेंटने से तुहानू 5 to 7 मिनट लग जाएंगे। और इहदे च पाएंगे 2 ड्रॉप वैनिला एस। ओवन नूं असीं 180 डिग्री ते प्रीहीट करने वास्ते रख देंगे। दोनों रॉड ऑन कर दित्तियां ने। हुण जो घ्यो और चीनी का मिक्सचर सी उहदे च पाएंगे अद्धा कप मैदा और अद्धा कप आटा। तुसी चाहो तो पूरा मैदा लै सकते हो, लेकिन अगर पूरा मैदा लै रहे हो तो 1-2 चम्मच मैदा थोड़ा ज़्यादा पाना पएगा। और अगर पूरा आटा लै रहे हो तो थोड़ा सा घ्यो होर ऐड करना पएगा, क्योंकि आटा रुखा होंदा है। लेकिन मेरा सजेशन है कि अद्धा कप मैदा और अद्धा कप आटा लो, जिन्हां ने बिल्कुल परफेक्ट बनदियां ने। इहदे च असीं ऐड करेंगे 2 चुटकी बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर यूज़ करना है, बेकिंग सोडा नहीं। और सारे समान नूं मिक्स करते हुए इहदा आटा जां गुंद लेंगे। अगर तुहानूं ऐसा लग रहा है इहदा आटा नहीं गुंद पा रहा, तुसीं 1 या 2 चम्मच दुध पा सकते हो। उस तो ज़्यादा दुध यूज़ नहीं करना। यह जिहड़ा आटा गुंद है इहनूं असीं 2 जगह च इक्वली वंड लेंगे। और एक जिहड़ा भाग हैगा उहदे च पाएंगे 1.5 चम्मच कोको पाउडर। इत्थे असीं कोको पाउडर पा रहे हैं। अगर कोको पाउडर नहीं है तो तुसी कॉफी पाउडर भी यूज कर सकते हो। और दोनों दो असी एकदम सॉफ्ट गुन के तैयार कर लेने ने। बेकिंग ट्रे लेंगे, इनू ग्रीस करके एदे ऊपर लगा देंगे बेकिंग पेपर। और अगर तुसी कढ़ाई रेते बना रहे हो तो एक वड्डी प्लेट लेंगे। इस साइज की प्लेट लेनी है जिहड़ी कढ़ाई ची ईजीली आ जाए। उन्हों भी ग्रीस करके उहदे ऊपर भी बेकिंग पेपर लगा लो। या फिर बेकिंग पेपर नहीं है तो जिहड़ी रोटी असी पैक करते हैं वाइट कागज़, वह भी लगा सकते हैं। हुण असी जिहड़ा डो सी उहदी असी छोटी छोटी गोलियां बनानियां ने। जैसे तुसी देख रहे हो ज़्यादा वड्डी वड्डी गोलियां नहीं बनानियां, पूरे ब्लैक वाले आटे दियाँ और वाइट वाले आटे दियाँ कंचे दे साइज़ दियाँ गोलियां बना के तैयार कर लेंगे। और जिहड़ी असी गोलियां बना रहे हैं इस चीज़ का ध्यान देना है कि गोलियां एकदम स्मूथ बननियां चाहिए ने। अगर तुहाडी गोलियां बनाते टाइम टुट रही ने तो तुसी थोड़ा सा घ्यो दा हाथ लगा लो, जिहना ने बिल्कुल चिकनियां बनंगियां। हुण असी इस तरीके नाल एक काली गोली लैनी, एक सफ़ेद, फिर एक काली, और 4 to 5 गोलियां ऐसे लैनिया ने। इन्हों असी मिलाएंगे जैसे तुसी सेम वीडियो से देख रहे हो। इनू असी इकट्ठा करेंगे और हथेली से लैके एदा बिस्किट जहा बना लेंगे, एकदम गोल जिवें लड्डू बनाने। बस मिक्स नहीं करना अच्छे से, इनू चपटा कर देंगे और साड़ी कुकीज़ बनके रेडी हो जाएगी। सेम ऐसी तरीके नाल असी सारी कुकीज़ बनानियां ने। पैटर्न सब का अलग अलग होएगा, लेकिन बनानी असी ऐसी पैटर्न नाल ने। और सारी कुकीज़ ऐसी तरीके नाल असी पहले बना के तैयार कर लेंगे। तुसी कुकीज़ बनाने चे बच्चों की भी हेल्प ले सकते हो, उन्होंने भी बहुत मज़ा आएगा। और सारी कुकीज़ असी ऐसे ही बना लेंगे। इनू सैट कर देंगे बेकिंग ट्रे चे और इनू रखेंगे मिडिल रैक ते। ऊपर या थले नहीं रखना, विचे रखना ओवन दे ट्रे नू। ऊपर और थले दी रॉड ऑन करेंगे। 20 to 25 मिनट तक बेक करना है। और कुकीज़ नू ओवन तो नहीं निकालना, इनू उदी च ही रखे रहन देंगे जब तक यह ठंडी नहीं हो जाती। अगर कढ़ाई च तुसी बेक कर रहे हो तो इनू 15 मिनट तक बेक करना, उसके बाद चेक कर लेना है। अगर तुहानू लगता है थोड़ी कसर रह गई है तो तुसी इनू 5 मिनट तक होर उहदे च पका सकते हो। और यह बहुत क्रिस्पी बनती है।
एक बार तुसी अगर बना के खा लोगे ना तो बाजार के बिस्किट कुकीज सारा खाना भूल जाओगे। इन्नी टेस्टी कुकीज़ बनती और अपने हाथ नाल बनाइए तो वैसे भी बहुत स्वाद लगेगी। अगर तुहानू वीडियो पसंद आया हो वीडियो नू लाइक करो और सारे नाल शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दो।